अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यास्मीन हुमा खान। आज मैं अपने किचन में बहुत ही सिंपल सी मगर बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी बताने जा रही हूँ। आज हम अपने किचन में माश की दाल बनाने जा रहे हैं। ये देखें, माश की दाल यानी कि उड़द की दाल, हिंदुस्तान में इसको उड़द की दाल कहते हैं, उर्दू में इसको माश की दाल कहते हैं। तो ये हमने एक कप भर कर ले ली थी और ये मैंने मेजरिंग कप से इस तरीके से भर कर ले ली। उसके बाद में इसको अच्छे से 2 घंटे के लिए सोक कर दिया। अब ये पकाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसमें थोड़ी सी चने की दाल भी डाली जाती है, मैं भी डालती हूँ कभी कभी, लेकिन आज मैं इसको सिंपल ही बनाने जा रही हूँ। तो ये अब पकने के लिए तैयार है। दाल को बिल्कुल अलग तरीके से बनाने जा रही हूँ, जो कि टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होती है। तो इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो आप यहाँ देखें। एक मीडियम साइज़ की अनियन ली है, इसको हमने फाइनली चॉप कर लिया है। 2 हरी मिर्चें ली हैं, इसे गार्निश करेंगे। इसके अलावा 2-3 मिर्चें लेकर, मैंने इतनी मोटी वाली 2-3 मिर्चें लेकर इसको फाइनली चॉप कर लिया है। 4 से 5 हमने लाल सुर्ख मिर्च ले ली है, इसको भी मैंने बहुत ही फाइनली चॉप कर लिया है। आप देख सकते हैं ये इस तरीके से मैंने इसको फाइनली चॉप कर लिया है। 2 इंच का अदरक का पीस हमने इसको ग्रेट करके रख लिया है। इसके अलावा हमने थोड़ा सा कट भी कर लिया है, ये हम गार्निश करने में यूज़ करेंगे बघार में। 1 टीस्पून हमने ज़ीरा लिया है तड़के के लिए, 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है। इसको हम रोस्ट करने के बाद में दाल के अंदर डालेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ा बढ़ा देता है। इस दाल का बहुत अमेजिंग टेस्ट हो जाता है इससे। 1 टेबल स्पून हमने यह जिंजर और गार्लिक पेस्ट ले लिया है। 1 पीस हमने जावित्री का लिया है, 2-3 पीस हमारे पास सिनेमन स्टिक के हैं, 1 हमने काली इलायची ले ली है। ये सारी चीज़ें डालकर हम दाल को बॉयल करेंगे। इसके अलावा हमने 1 टीस्पून फुल भर कर ले लिया है सॉल्ट, इसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। दाल को हम सबसे पहले बॉयल करेंगे, तो जिस कप से मैंने दाल को नापा है उसी कप से पानी 1.5 कप लेकर मैंने इसे बॉईल करने के लिए रख दिया है। अब इसमें हम सॉल्ट ऐड कर देंगे, इसी के साथ में हमने जो खड़े मसाले लिए हैं वो भी ऐड कर देंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर जिंजर और गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे, इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसी के अंदर हम दाल ऐड कर देंगे। इस दाल में मसाले वगैरह ज़्यादा नहीं होते, लेकिन बहुत मज़े की बनकर तैयार होती है। गर्मी में स्पेशली ये बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। दाल को हम 100% तक कुक कर लेंगे, बिल्कुल सही तरीके से उबली हुई होनी चाहिए दाल। दाल को मैंने दूसरे फ्लेम पर रख दिया है, तो अब इसमें हम 1 टीस्पून जो ज़ीरा लिया था उसको हम हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेंगे और उसको हल्का सा कूट कर तैयार कर लेंगे। ज़ीरा हमारा रोस्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी चेंज हो गया, इसमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी, तो इसको अब हम कूट लेंगे। दाल को हमारी कुक होते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। अब इसे चेक कर लेंगे कि दाल हमारी कितने परसेंट तक टेंडर हुई है। तो दाल हमारी अभी थोड़ी सी कसर बाकी है, इसे हम फिर से कवर कर लेंगे, तकरीबन 5 मिनट के लिए और कुक होने देंगे। इसके अंदर मैंने 2 तेज़पत्तों को इस तरीके से तोड़ करके ऐड कर दिया है। दाल को पकते हुए और 5 मिनट हो गए हैं, दाल हमारी अच्छी तरीके से टेंडर हो गई है। इसको मैंने चेक कर लिया है, ये देखें दाल हमारी अच्छी तरीके से टेंडर हो गई है। तो इसको अब हम अलग कर देंगे, दूसरे फ्लेम पे रख देंगे बंद करके, और अब इस पर हम तड़का तैयार कर लेंगे। तो दाल का अब हम तड़का तैयार कर लेंगे, इसके लिए मैंने एक बड़ा पैन तैयार किया है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 सर्विंग स्पून के बराबर ऑयल, क्योंकि इसमें ऑयल की क्वांटिटी सही होती है, ना ही कम ना ही ज़्यादा। जब इसमें बहुत सारे तड़के डालेंगे तो ये ऑयल थोड़ा कम रह जाएगा, इसीलिए हमने ऑयल पहले ही ज़्यादा डाला है। अब इसके अंदर हम सबसे पहले डालेंगे ज़ीरा, और इसी के साथ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 पिंच के करीब हींग। ज़ीरे को हम थोड़ा सा तड़क जाने देंगे, आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज होने लगा है। अब इसमें हम अनियन ऐड कर देंगे और अनियन को हल्का भूरा होने तक फ्राई करेंगे। अनियन का कलर हमारा लाइट गोल्डन सा दिखने लगा है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जिंजर जो हमने क्रश करके रखी है, साथ ही हमें इसमें सुरख मिर्च भी ऐड कर देंगे। इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे, गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे। इसी के साथ साथ इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हरी मिर्चें, इन दोनों चीज़ों को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि तड़का कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। अब इसके अंदर हम दाल ऐड कर देंगे दाल को हमने तड़के के साथ में मिक्स कर दिया है। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे कुटा हुआ ज़ीरा जो हमने भून करके कूट करके रखा है, वो हम यहाँ ऐड कर देंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। इसी के साथ में हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे, गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है, फ्लेम ऑफ कर लेंगे और उसको कर लेंगे डिश आउट। उड़द की धुली दाल या फिर माशकी की दाल बनकर तैयार है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, बहुत ही ज़्यादा। आप इसको अपने मेहमानों के सामने भी सर्व कर सकते हैं। ये एक ऐसी रेसिपी है कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है, एक डिश भी बढ़ जाएगी और खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है। तो बनाइए अपने घर में इस रेसिपी को और बताइए कि कैसी बनी है। अगर रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
मैं फिर हाज़िर होती हूँ एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।